दोस्तों बात करने वाले एनएचपीसी स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, एनएचपीसी ने आज मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। एनएचपीसी दोस्तों आज 2.5% की तेजी के साथ हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। देखिए दोस्तों, स्टॉक में तेजी के पीछे वजह की बात करें तो यहाँ पे देखिए इस ट्रेंड तब के टाइम हमें टोटली नजर आ रही है। आज वो स्टॉक ने दोस्तों तेजी दिखा के 90 का जो लेवल है वो तोड़ दिया है। अब आगे क्या व्यू रहेगा, क्या कोई पॉजिटिव अपडेट आई है या ऐसे ही बाउंस दिया है? देखो कल की गिरावट हमने देखा था दोस्तों, आज स्टॉक ओपन हुआ था अराउंड 88 के, मतलब 88 रुपए में, ठीक है ना। एंड कल दोस्तों पूरा मार्केट गिरा था क्योंकि यहाँ से ईरान एंड इसराइल दोनों के बीच दोस्तों तनाव बना हुआ है, तो उसको देखते हुए मार्केट में प्रेशर दिखा एंड आज भी मार्केट में प्रेशर था। बट देखिए जिन स्टॉक के अंदर यहाँ पे टोटली इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो ऊपर जा रहे हैं। अब यहाँ पे समझना, देखो कल का अगर आप एफआईटीआई का डाटा देखोगे ना, तो भाई एफआई ने कल 3,000 करोड़ की तो सेलिंग करी है एफआई ने, ठीक है ना। एंड जो डीआई ने 4,000 करोड़ की बाइंग करी है। एंड अब यहाँ पे आप समझना, एफआई ने देखो देखो रोजाना सेल बाई तो होता है, बट कुछ अच्छे स्टॉक में बाई होती है, जो स्टॉक में हमें प्रॉफिट हो रहा है उनसे ही निकल जाते हैं। तो अभी के टाइम देखिए एनएचपीसी कगार पे खड़ा हुआ है टोटली कंसोलिडेट वाले जोन में। बड़े प्लेयर्स डेफिनेटली इसी का फायदा उठाएंगे। जो हाल ही में करेक्शन आया है वो बड़े प्लेयर्स के द्वारा ही करवाया गया है ताकि रिटेल यहाँ से बाहर निकले। अब देखो रिटेल अगर बाहर निकलेंगे तभी बड़े प्लेयर्स खरीदेंगे, अगर बड़े प्लेयर्स बाहर निकल जाएंगे तो रिकवरी बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब ये जो रिकवरी आ रही है ना, ये इन्वेस्टमेंट की वजह से ही आ रही है। डाटा यहाँ से समझो दोस्तों, आज की जो इंट्राडे है ये 91.80 पैसे के यहाँ पे हमें आज के इंट्राडे हाई देखने को मिले। एंड मेन चीज स्टॉक की वॉल्यूम है, देखो कल वॉल्यूम ज्यादा थी, आज वॉल्यूम कम है। कल वॉल्यूम ज्यादा इसलिए थी, अराउंड 7 करोड़ की वॉल्यूम थी क्योंकि रिटेल ने भाई बेचा है। पेनी की जो सेलिंग थी वो कल हमें नजर आई, रिटेल के पास एक ही ऑप्शन था कल, भाई जो पैसा बचाओ उसको, जो पैसा है उसको सेव करो या निकल जाओ, क्यों क्योंकि भाई मार्केट बहुत डाउन जाए। क्योंकि कल के हिसाब से मैं लग रहा था कि भाई अगर युद्ध होता है तो मार्केट कम से कम 10-12% नीचे जा सकता है, इस के हिसाब से यहाँ पे लोगों ने सेल किया एंड उसका फायदा बड़े प्लेयर्स ने उठाया। एंड यहाँ से आप देख सकते हो आज भी स्टॉक में दोस्तों 35% की डिलीवरी हमें नजर आ रही है, 35% की डिलीवरी है। एंड इसी के साथ एक इन्वेस्टमेंट वैल्यू की बात करूं मैं, तो यहाँ से अगर हम देखें भाई 2 करोड़ भी शेयर उठाए आज, तो कम से कम मान के चलो 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आज फिर हमें जो एनएचपीसी में देखने को मिला। एंड ये है रिजल्ट से पहले, रिजल्ट के बाद एक अच्छा बाउंस हमें नजर आ सकता है, जबकि मार्केट में आज गिरावट है, स्टॉक में हमें तेजी नजर आई है। करंटली एमओ नेगेटिव 1,97,00,000 सॉरी ऑर्डर दोस्तों 1,97,000 के आसपास हमें शेयर ऑर्डर जो है एमओ में नजर आ रहा है क्योंकि थोड़ा नेगेटिव। अभी के टाइम देखो नए शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अपडेट नहीं हुए हैं एंड रिजल्ट डेट भी नहीं है, दोनों चीज आते ही मैं आपको डेफिनेटली अपडेट करूंगा। अब डाटा यहाँ से आप समझो, देखो मॉर्निंग के अंदर नेगेटिव ओपन हुआ बट जो स्ट्रेंथ थी ना यहाँ पे बाइंग की वजह से हमें एक अच्छी पॉजिटिव स्टॉक की आज की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अभी के टाइम एनएचपीसी में देखो इलेक्शन से पहले हमें गलती नहीं करना है क्योंकि हमारे मार्केट के ऊपर इलेक्शन का प्रेशर रहेगा। इलेक्शन का प्रेशर इसके लिए मतलब ऐसा रहेगा कि इलेक्शन से पहले मार्केट डाउन जाने के चांस हमारे कम है। मार्केट डाउन भी जाएगा तो इलेक्शन के बाद अगर चीजें सही रहती तो मार्केट दोस्तों एक बड़े उछाल में जा सकता है और एक नया हाई की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी के टाइम अच्छे स्टॉक को हमें पिक करना है, बुरे स्टॉक को हमें पोर्टफोलियो से निकाल देना है, ठीक है। एनएचपीसी एक शानदार स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं IRFC, IRCON, IRVNL, जो आपका यहाँ पे NHPC है, सोलोन है, ये जो स्टॉक है भाई ये लॉन्ग टर्म में आपको बताएंगे कि ये क्या कर सकते हैं। अभी शॉर्ट टर्म में तो आपको लगेगा कि भाई ये तेजी नहीं दिखा रहे। एंड दोस्तों मार्केट में ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं जो कंटिन्यू भागेगा, थोड़ा बहुत तेजी दिखाएगा फिर कंसोलिडेट करेगा फिर तेजी दिखाएगा फिर प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा फिर तेजी दिखाएगा। इस हिसाब से हमें मार्केट में जो स्टॉक का चाल है वो स्टॉक में नजर आती है। अभी के टाइम अपडेट्स देख ले, देखिए अभी के टाइम ऐसा कोई अपडेट नहीं है स्टॉक के अंदर बाउंस आना है। टोटली दोस्तों अगर देखा जाए ना तो स्ट्रेंथ की वजह से बाउंस आ रहा है, इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पे जो NSVC इसके अंदर आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब मेन चीज दोस्तों हमारे लिए रहेगा स्टॉक के पैटर्न यहाँ पे, जो कि यहाँ पे टेक्निकली व्यू के हिसाब से अगर देखे ना हम कि आगे क्या हो रहा है, क्या इसी रेंज के अंदर से यहाँ से दोस्तों स्टॉक 100 रुपए का लेवल ब्रेक कर देगा, क्योंकि मैंने पहले भी कह रखा है अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर एक नया हाई बन सकता है। बट अभी के टाइम अगर मार्केट के हिसाब से देखे, PSE इंडेक्स के हिसाब से देखे तो चांस कमी है नया हाई बने का। करंट स्थिति में नया हाई बनेगा या तो इलेक्शन के बाद या रिजल्ट के बाद, रिजल्ट के बाद भी चांस कम है बट इलेक्शन के बाद जब पूरा मार्केट गेन करेगा तब यहाँ से मैं एक बड़ी रैली नजर आ सकती है। बट चांस आपका व्यू ये रहना चाहिए कि आप गिरावट में एवरेज करें इसको एंड यहाँ से आप थोड़ा लॉन्ग टर्म की सोचे, थोड़ा लंबा सोचे। जब भी मार्केट में परेशानी आती है, मार्केट में वोलेटिलिटी आती है, अपना व्यू लंबा कर लिया करो, ठीक है ना। अगर आप पहले 1 महीने के लिए आए हो, अब 2 महीना यहाँ से रखो, ठीक है, ऐसा होता है। बट ये नहीं कि अगर अच्छा भी स्टॉक गिर रहा है
ये नहीं है कि वो उठेगा नहीं, वो डेफिनेटली आज नहीं तो कल उठेगा। अगर आपने यहाँ पे एनएसपी से 107 110 रुपए में भी खरीद रखा, तो अगर आप टाइम दोगे ना तो डेफिनेटली आप यहाँ से लॉस तो रिकवर करोगे ही करोगे, उसी के साथ आप एक अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट करके ले जा सकते हो। बट आपके अंदर दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए एनएसपीसी के अंदर भी हमें दोस्तों अराउंड 2% के आसपास की तेजी देखने को मिली है, 2-2.5% जिस स्टॉक ने आज गेन किया है। एंड यहाँ से चार्ट का डाटा बता दू मैं, आरएसआई चल रहा है 53 का, ठीक है ना, ज्यादा ओवर बोर्ड भी नहीं, ज्यादा ओवर शोल्ड भी नहीं, मिडिल आरएसआई चल रहा है। अब यहाँ पे अगर समझोगे दोस्त, समझेंगे आप, तो पिछले 1 महीने से भाई हमें टोटली यहाँ पे कंसोलिडेट जोन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से ऐसा तो नहीं होगा कि अचानक से ये भाग जाएगा, यहाँ से देखो धीरे धीरे ब्रेकआउट की तरफ जाएगा, उसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद हमें एक जैसे कि यहाँ पे तेजी नजर आई थी ऐसी तेजी नजर आएगी। तो टोटली वेट करें, जो मेन सपोर्ट है ना भाई, देखो अगर मार्केट ज्यादा गिरता है तो 75 का सपोर्ट है, अगर ऐसे यहाँ पे प्रेशर दिखता है तो दोस्तों जो पहला सपोर्ट स्टॉक ने पहले भी लिया वो है यहाँ पे 78 रुपए का, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो बने रहिए एंड चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को भी करता है।